सो फाइनली गाइस आ चुके हैं अपने पीएचडी फोटो एडिटिंग चैनल पे। सो गाइस आप नए यूजर्स हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी पहली बार आए हो तो इस टाइप से वीडियोस डालता रहता हूँ, मतलब फोटो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोस। सो गाइस मैं बता दूं कि मैं 2 या 3 महीने से मैं एक्टिव नहीं था क्योंकि कुछ रीजन से। अब रेगुलर वीडियोस आएगा तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने भाई को भी सपोर्ट करिए। मैं फोटो एडिटिंग के रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर करिएगा, यूज़फुल लगे तो ज़रूर करिएगा। एडिटिंग ऐसे सीखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड मैं बता दूं कि मैं ऋतिक सर का कुछ इस टाइप से फोटो एडिटिंग करने वाला हूँ। देन आप लोग पूरा वीडियो देखेगा मैं किस टाइप से कर रहा हूँ, पिक्सआर्ट पे कुछ इस टाइप से फोटो एडिटिंग करके बताऊंगा। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए एंड चलिए देर न करते हुए इस वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। ओके सो अपने फोन स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो गाइस फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, पिक्सआर्ट सिंपली ओपन कर लेना है और मैं बता दूं कि फोटो फ्री लगेगा तो आपको क्या करना है, अपना फोटो एडिट कर सकते हो इस टाइप से कुछ अच्छे से। तो आपको सिंपली क्या करना है, पिक्सआर्ट ओपन कर लेना है। ओके तो इस टाइप से इंटरफेस आ जाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, ऊपर वाले आइकन पे क्लिक करना है एडिट ए फोटो पे। एंड देन कुछ स्टेप से हम क्लिक करेंगे, आपको भी इस टाइप से करना है। कुछ इस टाइप से करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है राइट साइड, उस पर क्लिक करने के बाद व्हाइट बैकग्राउंड ले लेना है। ओके गाइस तो व्हाइट बैकग्राउंड लेने के बाद कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा गाइस। तो आपको सिंपली क्या करना है, स्क्रॉल राइट करना है, स्क्रॉल राइट करने के बाद ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे। ऐड फोटो पे जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप से गैलरी ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से आप देख सकते हो, मैं इस टाइप से मैं बनाने वाला हूँ फोटोज ऋतिक सर का। एंड देन मैं क्या करूँगा, पहले तो ये पीएनजी को लूँगा, ये वाला पीएनजी को। आप लोगों को अगर डाउनलोड करना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, डाउनलोड करके अपना फोटो कुछ इस टाइप से अपना फोटो बना सकते हो। एंड देन क्या करना है, वन बाय वन आपको क्लिक कर लेना है, जिस भी मैं इसको लूँगा, ये फोटो को लूँगा, ये वाले को लूँ, ये वाला को लूँगा, सो इसको भी ले लूँगा। राइट साइड ऐड का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। सो कुछ इस टाइप से करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, वो जो बाय पीएनजी है ना उस पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करने के बाद इसको कुछ इस टाइप से बड़ा कर लेना है। ओके इसको क्या करना है, स्क्रॉल राइट करना है, स्क्रॉल राइट करने के बाद ब्लेंडिंग में जाना है, मतलब ब्लेंड पे जाना है, इस पर क्लिक करने के बाद इसको कर देना है स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद आपको पता नहीं होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मैं बता रहा हूँ गाइस इस वीडियो इसको एंड तक देखिएगा। तो इस टाइप से करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे, फोटोज पे मतलब क्लिक करना है कुछ इस टाइप से। देन आपको लगता होगा कि वाइट कहाँ पीएनजी चला गया है, तो पीएनजी है मतलब बता रहे हूँ कैसे क्लिक करना है, मतलब डाउन पे लाना है। इसको क्या करेंगे, इसको मतलब पीएनजी पे फोटोज़ पे क्लिक करना है। ओके फोटोज़ पे क्लिक करने के बाद ऊपर है राइट साइड के इरेजर के बगल पे, इस पर क्लिक करना है। देन मूव डाउन पे क्लिक करना है। सो मूव डाउन पे क्लिक करोगे ना तो कुछ इस टाइप से बैक पे चला जाएगा, तो पहले इसको एडजस्ट कर लेना है कहाँ पास आप लोग रखेंगे। ओके तो मैं यहाँ पास रखूँगा, यहाँ पास रखने के बाद इसको इसका साइज़ को कुछ इस टाइप से मैं बड़ा कर दूंगा। ओके तो ये फोटो हो गया। देन इसको भी कर दूंगा यहाँ पास, इसको भी कर दूंगा मूव डाउन। मूव डाउन करने के बाद इसको यहाँ पास एडजस्ट कर दूंगा। ओके इसको भी कर दूंगा मूव डाउन। मूव डाउन करने के बाद इसको भी यहाँ पास कर दूंगा। तो इस टाइप से करने के बाद आपको सिंपली करना है, इरेजर पे ऊपर साइड है, इस पर क्लिक करना है। सो इस पर क्लिक करने के बाद इसका हार्डनेस को 100 कर लेना है, साइज़ को 25 कर लेना है। 25 करने के बाद कुछ इस टाइप से हल्का हल्का यहाँ का पार्ट जो है बाहर का, मतलब इसको इरेज कर लेना है। ओके सो कुछ इस टाइप से करने के बाद आपको सिंपली करना है, इसको कर देना है डन, राइट साइड मतलब सही का आएगा ना उस पर क्लिक करके डन कर देना है। ओके सो डन करने के बाद इस पर क्लिक करना है, देन मूव डाउन पे क्लिक करना है, इसको भी मूव डाउन पे क्लिक करेंगे। मूव डाउन पे क्लिक करने के बाद क्या करना है आपको, यहीं पे कंफ्यूज मत होइएगा, आपको क्या करना है सिंपली कि ये वाला फोटोज़ को तो हम बना चुके हैं। ओके ये वाला जिस पे मैं क्लिक किया हूँ, इसको क्या करना है, इस पे क्लिक करने के बाद मूव डाउन पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है दोबारा। तो ये क्या होगा कि इसको मूव डाउन पे क्लिक कर देंगे, देन इस पे क्लिक रहेगा। तो हमको क्या करना है, इस टाइप से मूव डाउन करने के बाद इरेजर पे क्लिक करना है। इरेजर पे क्लिक करने के बाद इसका भी पार्ट जो बाहर निकला है इसको भी कुछ ही टाइप से हम इरेज कर लेंगे। ओके फिर हम जो अभी ये वाला फ़ोटो में बनाया था तो इसको हम बैक कर देंगे, आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा तो, मतलब डाउट हो रहा होगा तो। ओके सो कुछ इस टाइप से मैं अच्छे से ओके तो इस टाइप से करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, इरेजर के बगल पे ये आइकन पे क्लिक करना है, देन इसको भी कर देना है मूव डाउन। मूव डाउन करने के बाद इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद मतलब पीएनजी पे क्लिक करना है, पीएनजी पे क्लिक करने के बाद मूव डाउन पे क्लिक करना है।
मूव डाउन पे क्लिक करेगा ना तो ऑटोमेटिकली जो फोटो था ना ये वाला तो मतलब बाहर आ जाएगा। तो इसको भी वो उसी तरह करना है, इस टाइप से करना है। एक बार इसको मूव डाउन करेंगे तो क्लिक रहेगा बट वो पीछे चला जाएगा। तो ये काफ़ी यूजफुल ट्रिक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इरेजर पे जाएंगे, इरेजर पे जाने के बाद इसको भी कर लेना है उसी टाइप से इरेज। सो इसका हार्डनेस को कर लेना है, हार्डनेस को करने के बाद कुछ इस टाइप से इरेज कर लेना है। सो कुछ इस टाइप से आपका फोटो बन जाएगा। तो और क्या करना है, इसको कर देना है सही का आइकन पे डन। डन करने के बाद एक बार इस पर क्लिक करेंगे, इसको भी राइट साइड मतलब इरेजर के बगल पे राइट साइड क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप से मूव डाउन का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसको भी मूव डाउन कर लेना है। ओके, तो मूव डाउन करने के बाद आपका फोटो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। इसको कर दूंगा डन। ओके, सो डन करने के बाद क्या करूंगा मैं, ऐड फोटो पे क्लिक करूंगा। ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद फोटो ऑटोमेटिकली मतलब गैलरी ओपन हो जाएगा। तो थोड़ा सा लोडिंग लेगा। तो गाइस ओके, तो कुछ ही टाइप से गैलरी खुलने के बाद आपको एक और फोटोस अपना ले लेना है। ये वाला मैं लूँगा ऋतिक सर का उसी फोटो को। सो इसको कुछ ही टाइप से ऐड करने के बाद इसको साइज को इसका बड़ा कर लूँगा। बड़ा करने के बाद इसको ऑलराइट करूँगा। ये कटआउट पे क्लिक करना है, दिन इसका बैकग्राउंड को कटआउट कर लेना है परसेंट पे क्लिक करके। पहले नंबर आइकन पे लेफ्ट साइड है ना, इस पे क्लिक करूँगा तो अपने आप बैकग्राउंड कट हो जाएगा। ओके, सो इस टाइप से करने के बाद इसको जूम कर लेना है जहाँ पास मतलब इरेज नहीं हुआ होगा। आपको लगता होगा यहाँ पास जो पार्ट है, सॉरी ज़्यादा हो गया। ओके, सो कुछ इस टाइप से करने के बाद आपको क्या करना है, डन कर देना है। राइट साइड है डन का ऑप्शन, उसको सही कर देना है। ओके, तो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। तो इस टाइप से साइज़ को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पास मैं एडजस्ट करूँगा। तो इस टाइप से एडजस्ट करने के बाद इसको मतलब इसका शैडो भी क्रिएट कर लेंगे। शैडो को कैसे क्रिएट करेंगे, शैडोज पे क्लिक करना है। शैडोज पे क्लिक करने के बाद इसका ब्लर को 100 कर देना है। सो 100 करने के बाद इसका ऑपोजिटी को -33 कर लेना है। तो पोजिशन पर क्लिक करेंगे, पोजिशन को इसका मतलब 26 माइनस कर लेना है। सो इस टाइप से करने के बाद इसका वर्टिकल को भी 18 कर लेना है। ओके, सो इस टाइप से करने के बाद आपका कुछ इस टाइप से फोटो बन जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है, आपको कुछ इस टाइप से करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, कुछ नाम भी लिख लेते हैं। तो उस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपका जो भी नाम होगा, जो भी आप टाइपिंग मतलब करना चाहते हो, वो अपना नाम जो भी आप लिख सकते हो। मैं ऋतिक सर का ही नाम लिखूँगा, जो कि ओके रोशन। सो कुछ इस टाइप से मतलब टाइपिंग करूँगा। तो टाइपिंग करने के बाद सही का आइकन आ जाएगा, तो उस पर क्लिक करूँगा। ओके, सो इस टाइप से करने के बाद इसको क्या करूँगा मैं, इसका कलर को पहले मैं चेंज करूँगा। इसका कलर को मैं ब्लैक करूँगा। ब्लैक करने के बाद इसको मैं यहाँ पास लाऊँगा। ओके, सो इस टाइप से करने के बाद एड फोटो पर क्लिक करना है। एड फोटो पर क्लिक करने के बाद एक और PNG लगेगा आपको। ये भी जो भी ग्रेडियंट मैं यूज़ करूँगा वो डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। डाउनलोड करके अपना फोटो कुछ इस टाइप से अच्छे से एडिटिंग कर सकते हो। को भी ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा। इसको लाइक करना है। सो इसको लाइक करने के बाद ब्लेंड पे क्लिक करना है। ब्लेंड पे क्लिक करने के बाद इसको भी कर देना है। सो इसको कर देना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको यहाँ पास ले आएंगे। देन इसको क्या करना है, यहाँ पास इस टाइप से यहाँ पास रखना है। यहाँ पास रखने के बाद इरेजर ऊपर का आइकन है, देन साइज को कुछ इस टाइप से यहाँ पास भी इसको इरेज कर लेना है। सो कुछ इस टाइप से करने के बाद इसको कर देना है डन। ओके, सो डन करने के बाद कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा। प्लस आइकन पे क्लिक करना है। प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ओके, सो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी मन होगा, जो भी आप अपना इंस्टाग्राम पे जो भी नाम होगा वो डाल सकते हो, देन पोस्ट भी कर सकते हो। तो मैं मूवीज़ लिखूँगा, जो कि मैं मूवीज़ लिख लूँगा, मूवीज एक्ट्रेस। सो कुछ इस टाइप से मैं लिख लूँगा। तो इसको क्या करना है, डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ पास मैं एडजस्ट कर दूँगा। आपका फोटोज़ कुछ इस टाइप से क्रिएट हो जाएगा गाइस। तो थोड़ा सा यूज़फुल लगा होगा तो प्लीज़ यार, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।
एंड आपको भाई कुछ हिसाब से आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहता हूँ पीएचडी एडिटिंग चैनल पे। सो प्लीज़ यार अपने भाई को सपोर्ट करिए, मैं आज से रेगुलर वीडियोस डालूंगा कुछ हिसाब से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले आ सकेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।